नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, ट्वीट कर कहा रफेल डील में हुई बड़ी धांधली। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कैग को रफेल डील की अभी तक नहीं दी है कोई जानकारी। निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। प्रतिबंध से आर्थिक गतिविधियों में आ रही थी बाधा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर। तल्ख टिप्पणी में कहा राजनीतिक सत्ता महामारी के वक्त बलि का बकरा बनाने की करती है कोशिश, मीडिया ने दुष्प्रचार कर गलत तस्वीर पेश की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने तेज की जांच, फोरेंसिक टीम के साथ बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पहुंचकर टीम ने की पड़ताल। नीरज और सिद्धार्थ को भी साथ लाई थी टीम। और एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने चला पैंतरा, इमरान खान ने 88 आतंकियों पर लगाया बैन। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकीरुर रहमान पर भी प्रतिबंध, लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी। तो रफेल लड़ाकू विमान सौदे पर कैग रिपोर्ट को लेकर मचे घमासान के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा कि पहला रफेल अक्टूबर 2019 में भारत को सौंप दिया गया था। कंपनियों को कितना ऑफसेट दायित्व पूरा करना है इसका एक साल का चरणबद्ध निर्धारण है। वहीं रक्षा मंत्रालय मुझे सूचित करता है कि इस तरह के दायित्वों के पूरे होने के दावे सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कैग रिपोर्ट 2019 की संख्या 20, रक्षा ऑफसेट प्रदर्शन बजट सत्र 2020 के दौरान संसद में पेश किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण समय से पहले सत्र समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अब अगले सत्र में रिपोर्ट रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर रफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि राफेल सौदे में बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राफेल को लेकर सरकारी खजाने से पैसों की लूट हुई है और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार को कोट करते हुए लिखा कि सच सिर्फ एक होता है भले ही उसके रास्ते अलग अलग हों। उन्होंने इस ट्वीट के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट को भी शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि कैग को अब तक राफेल सौदे से जुड़े ऑफसेट की जानकारी नहीं दी गई। आपको यहां बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने रफेल डील को लेकर सवाल उठाए थे और कई बार कहा था कि चौकीदार चोर है, और जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दरअसल अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक 8 महीने बाद कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सरकार को रक्षा ऑफसेट अनुबंधों की रिपोर्ट सौंप दी है। अखबार ने कैग के सीनियर अधिकारी के हवाले से लिखा है कि रिपोर्ट में फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा किसी ऑफसेट डील की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सरकार को संसद के सामने रिपोर्ट पेश करना भी बाकी है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कैग को रफेल ऑफसेट सौदों से संबंधित किसी भी जानकारी से इनकार किया है। रक्षा मंत्रालय ने डसॉल्ट एविएशन का हवाला देते हुए कैग से कहा कि वो अनुबंध के 3 साल बाद ही अपने ऑफसेट भागीदारों के किसी भी विवरण को साझा करेगी। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर समझौता हुआ है जिसके तहत 59,000 करोड़ रुपए में फ्रांस भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान देगा, और इसके तहत पिछले महीने फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत को मिले हैं जिसकी तैनाती पठानकोट एयरबेस में की गई है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने रफेल लड़ाकू विमान पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट को ड्रॉप करने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार का दबाव ना हो तब तक कैग ऑडिट रिपोर्ट को कैसे ड्रॉप कर सकती है। वहीं राशिद अल्वी ने मांग की कि देश की जनता को भी कैग की रिपोर्ट के बारे में पूरा पता चलना चाहिए। भारत सरकार, प्रधानमंत्री उन सवालों का कोई जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाई है। पूरी जनता इस बात को जानती है कि राफेल के अंदर कहीं ना कहीं घपला हुआ है, करप्शन हुआ है। अब जबकि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर और ज्यादा इस शक को मजबूत करती है कि राफेल का घोटाला
कोई मामूली घोटाला नहीं है। सीएजी अपनी रिपोर्ट कैसे ड्रॉप कर सकती है जब तक के उसके ऊपर सरकार का दबाव ना हो। बढ़ते हैं आगे। आतंकियों को पालने पोसने की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में जाने का खतरा झेल रहे पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये आतंकी आईएस, अलकायदा, तालिबान समेत कई संगठनों के हैं और ये फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें जमात उल दवा के आतंकी हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर और जकीरुर रहमान जैसे आतंकी शामिल हैं। लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। एफएटीएफ की अगली आम सभा अक्टूबर में होनी है जिसमें ग्रे लिस्ट में पड़े पाकिस्तान के भविष्य पर विचार होगा। और वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी ने राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ अबू यूसुफ के पास से दो प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुए हैं और उसे दिल्ली स्पेशल सेल ने शुक्रवार रात धौलाकुआं और करोलबाग के बीच रिज रोड वाले इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त पीएस खुशवाहा के मुताबिक खान ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी लेकिन भारी सुरक्षा इंतजामों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खान आईएसआईएस आतंकवादियों के संपर्क में था जिन्होंने उसे भारत में आतंकवादी हमले की योजना बनाने का निर्देश दिया था। डीसीपी कुशवाहा के मुताबिक आतंकी आईएसआईएस कमांडर्स के सीधे संपर्क में था और उसने अपनी पत्नी बच्चों के पासपोर्ट बनवा रखे थे। उसका हैंडलर यूसुफ अल हिंदी सीरिया में मारा गया था और बाद में एक पाकिस्तानी अबू हजफा से कमांड लेता था। आपको बता दें, हजफा को अफगानिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आतंकी यूसुफ उर्फ अबू यूसुफ ने कई नाम रखे हैं और उसके पास से प्रेशर कुकर आईईडी भी मिला है और वो एक फुटबॉल मैदान वाले इलाके में बम लगाने जा रहा था। डीसीपी कुशवाहा ने कहा कि पुलिस को वेरीफाई कर रही है सभी तथ्यों को। आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर धौलाकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं, 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से दो प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले एक साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेस हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट में सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। और वहीं पंजाब में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तरन तारण के खेमकरण में पाकिस्तान के 5 घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है और जानकारी के अनुसार बीएसएफ के जवानों ने कुछ संदिग्ध लोगों को सीमा के पास देखा और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो घुसपैठियों की तरफ से गोलियां चलाई जाने लगी, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने भी गोलियां दागी और 5 घुसपैठियों को मार गिराया। और बताया जा रहा है कि इनमें से एक के पास असॉल्ट राइफल भी मिला है। आपको बता दें कि खेमकरण पंजाब के तरन तारण जिले में आता है जो कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। बढ़ते हैं आगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। शनिवार को सीबीआई ने पहले गेस्ट हाउस में सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। उसके बाद सीबीआई की टीम सीधे बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर पहुंची। जांच एजेंसी अपने साथ नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी आई। तकरीबन 12 फॉरेंसिक एक्सपर्ट, 6 से 8 सीबीआई अफसर सुशांत के घर पहुंचकर सबूत खंगाले और वहीं पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। और खबरों के मुताबिक
13 और 14 जून 2020 की रात को जो कुछ हुआ उस बारे में सीन रिक्रिएट करके दोनों से पूछताछ की गई। वहीं इस मामले में सीबीआई सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। और वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने 13 जून की रात को लेकर बड़ा बयान दिया है। पड़ोसी महिला के मुताबिक 13 जून की रात में रात 10:30 बजे और 10:45 के बीच सुशांत के घर की सब लाइट्स बंद हो गई थी और सिर्फ किचन की एक लाइट ही उस दिन वक्त जल रही थी। आपको बता दें कि उस दिन कोई पार्टी नहीं हो रही थी, ऐसा उस महिला का कहना है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि सीबीआई अब सही दिशा में जांच कर रही है। सीबीआई जांच हम समझते हैं कि सही दिशा में जा रही है और सीबीआई जिस तरह से जिस स्पीड से जांच शुरू की है हम लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद और बढ़ गया है कि निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो एकदम गिरफ्तार होगा। और हम समझते हैं कि वहाँ जिस तरह से कुछ कुछ बातें मीडिया के माध्यम से आ रही है, चाबी वाले की बात जो आई है, तो जो सिद्धार्थ पिठानी है हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे, घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पर गए थे, तो उस समय भी एक जो उसके साथी का साथ में काम करने वाले के निधन से जो एक गम होता है वो उसके चेहरे पर कहीं नहीं दिखा। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब सीबीआई देख रही है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब सीबीआई देख रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सच्चाई यकीनन पता चलेगी, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होता है तब तक इसके अंदर किसी तरीके का न किसी को इंटरवीन करना चाहिए और न इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। एक परिवार ने अपना एक प्यारा खोया है, उसको इंसाफ निश्चित तौर से मिलना चाहिए। और वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। मामला थोड़ा रास्ते पे आया, लेकिन अब हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया सुबह शाम इसे पिपली लाइव ना बनाएं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने दें, त्वरित करें, टाइम बाउंड करें, लेकिन वो पैरेलल ट्रायल जो चल रहा है और अलग अलग थियोरी लेकर के लोग आ रहे हैं उससे एक मौत को जो एक दुखद हादसे को जो आदर मिलना चाहिए था उसमें कमतरी दिखती है। और वहीं आपको बता दें कि एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी की फाइलों की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 5 सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को एम्स से राय मांगी थी और एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस मेडिकल बोर्ड का नेतृत्व करेंगे। एम्स की ये टीम हत्या की आशंका को देखेगी और सुशांत के मौत की सभी कोणों की गहराई से जांच करेगी। चलिए बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। जजेस आर नॉट अबव स्क्रूटिनी, द जुडिशरी मस्ट सिट डाउन एंड इंट्रोस्पेक्ट। ये जो 8-10 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन पे स्लोली कुछ ना कुछ असॉल्ट हो रहा है और इट इज विजिबल एंड दिस इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट। This is dangerous. Yes, it is dangerous. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गलत है? इतना बड़ा मामला नहीं था प्रशांत भूषण का कि उनको contempt के केस में और उनको दोषी करार किया? ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया, ठीक कह दिया, बहुत लोग कहते हैं। It's not such a, you know, such a big thing कि यहाँ पे pandemic चल रहा है और आप ये contempt of court उनके खिलाफ कर रहे हैं। Free speech है उस पर एक बड़ा असॉल्ट है और मनमाने तरीके से कोर्ट्स इस कंटेम्प्ट लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल देयर इज असॉल्ट ऑन फ्री स्पीच और उसकी वजह से, इस असॉल्ट की वजह से चिलिंग इफेक्ट आ रहा है। देखिए ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर।
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशन ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि राजनीतिक सत्ता महामारी के समय में बलि का बकरा बनाने की कोशिश करती है। कोर्ट ने कहा कि इन विदेशियों के खिलाफ यही किया गया लगता है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुष्प्रचार के तहत दिल्ली मरकज आए विदेशियों को लेकर ऐसी तस्वीर पेश की गई मानो कि भारत में कोरोना फैलाने के लिए यही जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में संक्रमण के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी और अब समय आ गया है कि क्षति की पूर्ति के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। और हाईकोर्ट ने कहा कि वीजा की शर्तों के अनुसार विदेशियों पर धार्मिक स्थानों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और वहीं भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी कवि वरवर राव की मेडिकल रिपोर्ट की जांच एनएचआरसी के विशेषज्ञ करेंगे। एनएचआरसी के मुताबिक विशेषज्ञों को अपनी रिपोर्ट 2 हफ्ते के भीतर देनी होगी ताकि आयोग उस पर विचार कर सके। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा था कि राव की खराब होती सेहत मानव अधिकार उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। यहां आपको बता दें कि तेलुगु कवि वरवर राव महाराष्ट्र की तलोजा जेल में 2 साल से बंद है। बढ़ते हैं आगे। वहीं जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं को लेकर छात्र बेहद नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि पहले नवंबर में परीक्षाएं कराने की बात हो रही थी लेकिन अब सितंबर में परीक्षाओं का शेड्यूल तय कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेईई मेंस की परीक्षाएं 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेंगी और इसके अलावा नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले तो बहुत अचानक से आ गया है डेट इसकी और समय भी कम है। पहले इसकी डेट मेरे समझ से नवंबर सेकेंड वीक में आई थी ऐसा सुनने में आया था, फिर अचानक से अभी इसकी डेट दे दी गई। और एक्चुअली में सितंबर मंथ में बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं और मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और तो मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन में इतनी मूवमेंट ठीक रहेगी। हाँ ठीक है, रिकवरी रेट इंडिया का बढ़ा हुआ है लेकिन रोज़ के रोज़ नए केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय और देते नवंबर तक कम से कम तो सही रहता। नवंबर सेकंड वीक या इसके बाद एग्ज़ाम होता जैसे पहले आया था, नोटिस नहीं आया, हो सकता है ऑफिशियल नोटिस ना हो पर ऐसे सुनने में आया था कि शायद सेकेंड वीक में हो, तो बाद में भी करा सकते थे। अभी पहले जो टेंटेटिव डेट थे नेट के वो नवंबर 15 के आसपास था, तो और अब उसे कर दिया गया है सेप्टेम्बर 16 से 18 और 21 से 25 के बीच में ऐसे कर दिया गया। तो एक तो टेंटेटिव डेट था वो पहले वाला जो 15 नवंबर को है, जो बच्चों को बताया गया था कि हो सकता है कि नवंबर में आपकी परीक्षा हो, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब शुरू किया था उन्होंने, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में ठीक से तैयारी नहीं हो पाई होगी बहुत सारे बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ हूँ दिल्ली में रहते हुए मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो बाकी जो बिहार असम और उड़ीसा के एरिया वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या होगा। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिख कर कहा है कि अंतर्राज्य और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के गृह सचिवों को चिट्ठी लिख कर कहा कि स्थानीय स्तर पर अंतर और अंतर्राज्य व्यक्तियों और सामानों की आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव डाल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधि और रोजगार में बाधा आ रही है। और वहीं पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन दुश्मन कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकारें एक बार फिर सख्ती वाले लॉकडाउन का सहारा ले रही है।
भारत में कोरोना हर दिन विकराल रूप ले रहा है और वैक्सीन के बिना उसे हराना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब राज्य सरकारें वीकेंड लॉकडाउन की मदद से जान भी और जहान भी मंत्र को साधने में लगी है और इसी के तहत यूपी, पंजाब और हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं चंडीगढ़ में भी सख्ती वाले लॉकडाउन का सहारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए लिया गया है। किस राज्य में वीकेंड लॉकडाउन के क्या नियम हैं वो हम आपको अब बताते हैं। वीकेंड लॉकडाउन की लिस्ट में बात सबसे पहले यूपी की करते हैं, जहां 55 घंटे का सख्त वीकेंड लॉकडाउन लागू है। शनिवार को लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और लोग अपने घरों में कैद हैं, दुकानें बंद हैं और पुलिस भी लगातार सख्ती बरत रही है, बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं वीकेंड लॉकडाउन 55 घंटे का है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के जरिए मेडिकल और इमरजेंसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि गैर जरूरी दुकानें, दफ्तर और कार्यालय बंद रहेंगे। और वहीं कोरोना वायरस की रफ्तार कम करने के लिए पंजाब सरकार ने एक बार फिर वीकेंड वाले दिनों के लिए कड़े लॉकडाउन का सहारा लिया है और इसी के तहत आज पूरा पंजाब बंद है। पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर बिना वजह बाहर घूमने की इजाजत नहीं है और इसके अलावा सभी गैर जरूरी चीजों की दुकानें और सेवाएं आज और कल बंद रहेंगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बहुत जरूरी चीजों की दुकानें और सेवाएं सभी दिन खुल सकेंगी। मतलब ये कि मेडिकल से जुड़े लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनकी दुकानें हर दिन खुलेंगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि उनकी सरकार जहां जरूरत होगी सख्त फैसले लेगी, ताकि राज्य में कोरोना का संक्रमण सामुदायिक स्तर पर ना फैल सके। वहीं बात हरियाणा की, हरियाणा में भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। तेजी से प्रदेश में नए केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को सख्त फैसला लिया, जिसके तहत हरियाणा में अब सभी कार्यालय और गैर जरूरी दुकानें हर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी और इसका मतलब ये है कि कल भी हरियाणा में कोई भी दफ्तर, कार्यालय या दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ में भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हफ्ते के आखिरी दिनों में गैर जरूरी सामान की दुकानें अब बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन रहेगा। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ दिल्ली में जिम मालिकों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी जिम खोलने की मांग कर रहे थे और आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला हुआ था कि राजधानी में अनलॉक 3 के तहत होटल खोले जाएंगे और साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल बेसिस पर खोला जाएगा, लेकिन जिम खोलने की मंजूरी अभी नहीं दी जाएगी और इसी फैसले के विरोध में जिम मालिकों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। और बात मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को किसान विरोधी बताया है। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के नाम पर सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मौन क्यों हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया अब किसान विरोधियों के साथ क्यों बैठे हैं? कि सचमुच में तुम खलनायक, नायक का सिर्फ मुख होता है, अभिनय में महाछलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है, उद्देश्य बहुत ही छोटा है। उद्देश्य क्या था सरकार गिराने का? उद्देश्य था किसानों के कर्ज माफी में डिले। किसानों के कर्ज माफी का की देरी के कारण मैं सड़क पे आ गया। उद्देश्य था किसानों का कर्ज जल्दी से माफ हो और किसानों को जल्दी से उनकी किस्त मिले। किसानों के कर्ज को पाप बताने वाले लोगों के साथ खड़े हो, सरकार गिरा। किसानों का कर्ज खाने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों के सीने पे गोलियां मारने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ गया है।
पहले आरजेडी के दलित नेताओं ने पटना में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार के दलित प्रेम को निशाने पर लिया, तो अब जेडीयू के दलित नेता मंत्री उसे चुनौती देने मैदान में उतर गए हैं। एक साथ नीतीश सरकार के चार मंत्री अशोक चौधरी, संतोष निराला, महेश्वर हजारी और रमेश ऋषि ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी पर हमला बोला। मंत्रियों ने दावा किया कि बिहार में दलित समाज के लोग नीतीश सरकार के साथ हैं और इस बार विधानसभा में 200 सीट से ऊपर हम जीतेंगे। दलितों पे जो अत्याचार के जो पहले आंकड़े हैं, 15 वर्ष का आप कार्यकाल देखिए किस तरह से इस प्रदेश में नरसंहार हुए दलितों पर, और नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल को देखिए कितने क्या क्या हुआ इन 15 वर्ष के कार्यकाल। इसलिए आंकड़े अगर आप देखिएगा, आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में कमी आई है, दलितों के अत्याचारों पर कमी आई है, दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल किया गया है। जो आरक्षण देके वैसे पदों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दलितों को बैठाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं दलित का निरादर हुआ, मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों तक सबसे प्रतिष्ठित पद जो स्पीकर का होता है उन्होंने दलित समाज को देने का काम किया। उसी तरह से जब कुर्सी देने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा दलित समाज में भी जो सबसे पिछड़ा हुआ है महादलित समाज के लोग उनको मुख्यमंत्री कुर्सी देने का काम किया। मैं समझता हूँ दलित में फायदा लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है, दलित समाज के लिए जो काम करता है वही दलित का सबसे बड़ा नेता होता है। और वहीं पटना में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेशाध्यक् डॉक्टर संजय जायसवाल, वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और कई केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी योजनाओं में बंदरबांट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला को 13 महीने में 8 बच्चे हो गए। मेडिकल साइंस के लिहाज से ये असंभव है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आड़ में इसे कागज पर सच कर दिखाया है। सारा खेल आपको बता दें, प्रोत्साहन राशि हड़पने का है और मामला मुशहरी प्रखंड के एक गाँव की 4 महिलाओं के खाते में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करने का है और इन महिलाओं में 3 की उम्र 65 साल से अधिक है और कहा जा रहा है कि एक महिला का सबसे छोटा बेटा 20 साल का है। स्वास्थ्य विभाग उसके खाते में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चे को सरकारी अस्पताल में जन्म देने पर मिलने वाली 1400 रुपए की राशि भेज रहा था, जबकि पिछले 20 वर्षों में उस महिला ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है और अब तो वो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रही है। और इतना ही नहीं, उस महिला के खाते में 13 महीने के भीतर 8 बार राशि भेजी गई, लेकिन महिला को एक बार भी अकाउंट में आए पैसे नहीं मिले। पैसा आने के अगले दिन ही बिचौलिए पैसा निकाल रहे थे और अब मामले की जांच के लिए डीएम ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। डीएम का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।